ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। तो आज का क्लास है हमारा रिगार्डिंग विद ग्रीन मैट। आपको पता होगा कि व्हाट इज अ ग्रीन मैट थिंग, राइट? तो एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ कि व्हाट इज अ ग्रीन मैट थिंग। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। सी, यू कैन सी द फोल्डर राइट हियर, करेक्ट है? तो ये सारे वीडियोस जो आप देख पा रहे हो वो ग्रीन मैट से रिलेटेड है, जो कि हम रैंडमली प्ले करते हैं अभी। सी, सो आई एम प्लेइंग फर्स्ट वीडियो, जो कि वीडियो अभी प्ले हो रहा है। तो मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगी स्क्रीन। सी राइट फ्रॉम स्टार्ट, ये होता है आपका ग्रीन मैट वीडियो। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, एंड ये एडवांस्ड टॉपिक है, एडोबी प्रीमियर का एडवांस टॉपिक। ओके, मतलब कि अब तक आपने जो लर्न करा है वो बेसिक चीजें थी जो कि इम्पोर्टेंट है, एंड जो कि आपको कभी भी काम करने के लिए उसका हेल्प लगेगा ही, कंपलसरी लगेगा, ठीक है? जहाँ पे आपने बहुत चीजें सीखी, जहाँ पे वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड चीजें है, राइट? सो हाउ वीडियो कैन बी एडिटेड, हाउ इट कैन बी क्रॉप इन द सेंस कट वीडियो, कंबाइन वीडियो, हाउ टू ऐड द एडियो ऑडियो एंड ऑल दैट थिंग्स रिगार्डिंग विद दैट, ठीक है? तो ये सारी चीजें अपन ने लर्न करी वो बेसिक एंड फंडामेंटल वीडियो एडिटिंग के कनेक्टेड सारी चीजें हैं, राइट? नो, आज का टॉपिक जो हम लर्न करने जा रहे हैं वो है एडवांस टॉपिक इन एडोबी प्रीमियर प्रो। दैट इज वी कॉल इट एज क्रोमा, ठीक है? तो क्रोमा का मतलब क्या होता है, जो कि मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा बताऊंगा, ठीक है? यहाँ पे क्रोमा का मीनिंग सी, आप जिस तरीके से यहाँ पे वीडियो देख पा रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस है यहाँ पे। तो जैसे कि ये मैडम यहाँ पे आपको दिख रही है, तो क्या कर रही है, ये कुछ बता रही है। शी इज एन एंकर एंड शी इज टॉकिंग अबाउट समथिंग। जहाँ पे आपको यहाँ पे टेलीविजन टाइप टेलीविजन दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है, बेसिकली एक ग्रीन स्क्रीन, एंड वहां पे वो कुछ इंडिकेट करके बता रही है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वहां पे वैसा हो रहा है, एंड एवरीथिंग। सो जो करंट मोमेंट में आप जो चीजें आप देख रहे हो न्यूज पे, राइट? नो, ऑल दीज आर आई एम टॉकिंग अबाउट द रिगार्डिंग विद द वॉर थिंग्स, यूक्रेन एंड रशिया का जो कि वॉर चल रहा है वहां पे। तो आप न्यूज देख रहे होंगे कि वहां पे किस तरीके से वो बैकग्राउंड को, ग्राफिक्स को यूज कर रहे हैं न्यूज एंड मीडिया, तो कितना एडवांस तरीके से वो बताते हैं। तो यस, दैट इज व्हाट द टुडेस टॉपिक इज ऑल अबाउट, द ग्रीन मैट थिंग, कि अपन ग्रीन मैट कहाँ पे यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, एंड उसका यहाँ पे एप्लीकेशन किस तरीके से करेंगे इन प्रीमियर प्रो, राइट? तो चलो पहले देखते हैं। तो हमारा बेसिक चीज है सी, ये मेरा एडोबी प्रीमियर प्रो का सी नया मतलब अपडेटेड वर्जन है, जो कि आज मैं आपके सामने यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? लास्ट टाइम जो यूज किया था वो इसका पहला पहले का वर्जन था। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, CS6 और CC में थोड़ा बहुत अंतर होता है, मतलब कि आपको वहां पे विजुअल डिफरेंस दिखेगा, यूआई का डिफरेंस दिख सकता है आपको, यूजर इंटरफेस। ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज देयर, सी यहाँ पे जो आपको इफेक्ट्स दिख रहा है, राइट? इफेक्ट्स, ये वाली चीजें CS6 में दूसरी जगह पर रहती है। ओके, सो हम इफेक्ट्स वहां पे, यहाँ पे मतलब ये CC वर्जन है, तो CC वर्जन में आपको इफेक्ट्स वाली चीजें ऊपर आ जाती है। ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ऊपर में ही दिखते हैं, टॉप बार में। ओके, तो अपन अगर पिछला वाला वर्जन देखे तो वहां पे ये वाले ऑप्शंस दूसरे पोजीशंस पे होते हैं, ठीक है? ज्यादा कुछ नहीं, बट देर इज अ क्वाइट लिटिल बिट डिफरेंस इन अ यूआई। ओके, सो आप अगर CC भी यूज कर रहे हैं या CS6 भी यूज कर रहे हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है कि हमने दूसरा वर्जन लर्न करा है और यहाँ पे दूसरा वर्जन है, नथिंग लाइक दैट। यू कैन स्टिल मैनेज इट इन अ वेरी गुड वे, ठीक है? अब करना क्या है, देखिए, आप प्रोजेक्ट विंडो में है। ओके, दिस इज अ प्रोजेक्ट विंडो,
दिस इज टाइमलाइन विंडो एंड यू नो ऑल दैट थिंग्स, ये सोर्स विंडो है, ये प्रोग्राम विंडो है जहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं। अब करना ये है कि यू नो वी हैव टू क्रिएट अ सीक्वेंस, तो सीक्वेंस हम ऑटोमेटिकली यू वीडियो के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, या फिर आपको अगर खुद से क्रिएट करना है सो यू कैन गो हियर एंड यू कैन क्रिएट अ कंट्रोल एंड सीक्वेंस। सो व्हाट काइंड ऑफ सीक्वेंस डू यू वांट, यू वांट टू वर्क इन अ पाल एनटीएससी और एचडीबी, ओके। तो इट इज अवर चॉइस कि ये सिंपल इतने चॉइसेस जो है, देखिए अगेन CS6 में इतने चॉइसेस नहीं होंगे आपके पास एज कंपेयर टू CC। तो CC में आपके पास इतने चॉइसेस हैं जहाँ पे आप किसी भी चीज को यू नो चेक कर सकते हैं एंड आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वर्कआउट कर सकते हैं। लाइक मैंने बताया था DB NTSC क्या होता है, DB PAL क्या होता है, DB HDV क्या होता है, हाई डेफिनेशन वीडियो, ओके। इस तरीके से ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे हमें वीडियो किस प्रकार का चाहिए, किस वीडियो लेंथ का चाहिए, राइट, फ्रॉम विड्थ एंड हाइट, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो करंट मोमेंट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम टेकिंग द HDV हाई डेफिनेशन वीडियो एंड फर्स्ट वाला, ओके, सी HDV 1080i 25, ओके। सो ये हम लेंगे 25 फ्रेम पर सेकंड वाला, ठीक है, HDV 1080p 25। इसकी डिटेलिंग क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, 25 FPS फ्रेम पर सेकंड एंड इसका साइज होगा 1440x1080। तो ये 1440 है, मोस्ट प्रोबेबली हम देखते हैं और यूज जो करते हैं वो 1920x1080 है, अपन चेक करेंगे, सी 1920, यस। अगर हम इसमें से कोई दूसरा सिलेक्ट करते हैं तो फिर उसका जो टाइम बेस है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा हर इसका, जैसे फ्रेम पर सेकंड्स, हाँ वो तो डिफरेंट, हाँ डेफिनेटली, यस यस यस। ये देखिए यहाँ पे जो 30 दिया है तो 30 फ्रेम्स पर सेकंड, लास्ट में 25 दिया है तो 25 फ्रेम्स पर सेकंड, ये वाली चीज होती है। तो ये कैसा होता है कि ये हर वीडियो का प्रॉपर्टी रहेगा, ये जैसे प्रॉपर्टी कि हमें कौन सा साइज रिक्वायर्ड है चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। तो आप मैक्सिमम देख रहे हैं कि HDV में सारी चीजें क्या है, फ्रेम साइज 1440 है, हाइट H फॉर हाइट, ओके। तो आप ये वाली चीज है, ठीक है। व्हाट आई वांट इज कि मुझे 1920 में वर्क करना है तो मैं PAL चेक करता हूँ, ओके, PAL एंड NTSC। तो हमारे यू नो इंडिया में PAL मैक्सिमम यूज करते हैं, तो वेस्टर्न कंट्रीज में NTSC मैक्सिमम यूज करते हैं। यहाँ पे PAL इज 25 FPS रहता है फ्रेम पर सेकंड, NTSC 30 फ्रेम्स पर सेकंड रहता है, दीज आर द स्टैंडर्ड्स, ओके। चेक करो ये 720 है, ये 48 किलोहर्ट्ज, 32 नहीं, ओके, देन NTSC चेक करते हैं, ओके। तो ये एंड अगेन DSLR ये भी चेक करते हैं। तो मैं ये कैसे है, ये हमारे को हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ले सकते हैं, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर 1920x1080, ठीक है। ये वाली चीज मुझे चाहिए थी जो कि हम नॉर्मल मोस्ट यूजिंग साइज जो है हमारे यहाँ पे वो 1920x1080 है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का आपको एक वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे 24 फ्रेम्स का लेना है या 25 का लेना है या 30 का, हमें डिसाइड करना है, आई वुड लाइक टू गो विद 25, ठीक है। सो मैंने ये सिक्वेंस लिया, ओके करते हैं, That's it. Sequence लिया, okay किया and यहाँ पे bin create करते हैं, bin के अंदर sequence रखते हैं, okay? Bin के अंदर sequence and यहाँ पे हमें new folder भी लगेगा, okay? Okay. New video. वीडियो इसके अंदर रहेगा, ठीक है, बीन के, हाँ
जैसे हमने तो अभी सीक्वेंस सिलेक्ट किया, यस देन वो जो भी आया है उसका आउटपुट वो है. अगर हम सीक्वेंस सिलेक्ट नहीं करते, वो जो ऑटोमेटिक क्रिएट होता है वो किस इससे रिलेटेड रहता है? एग्जैक्टली। तो कैसे ये कस्टमाइजेशन, देखिए हमने जो अभी क्रिएट किया वो हमारे को जो लग रहा है उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट किया। अदरवाइज डायरेक्ट प्रोसेस क्या है मैं बताता हूँ। अभी डायरेक्ट प्रोसेस, राइट क्लिक, इम्पोर्ट करते हैं हम कोई भी वीडियो, ओके एक्स वाई जेड। तो मैं डायरेक्टली वीडियो यहाँ पे पहले ऐड करता हूँ, ग्रीन मैट का वीडियो, ठीक है। सो ग्रीन मैट वीडियो आई एम एडिंग हियर, ठीक है। प्रीमियर, प्रीमियर यहाँ पे देखिए मैंने वीडियो ऐड किया यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा वीडियो हो गया जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर मैंने सीक्वेंस क्रिएट नहीं किया ओ, तो कैसा ये डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते वीडियो को, वीडियो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते तो वो सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म करता है। दैट इज योर क्वेश्चन कि हम ऑटोमेटिकली सीक्वेंस खुद से नहीं क्रिएट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप वीडियो लेंगे या इमेज फाइल लेंगे तो सीक्वेंस क्रिएट नहीं होगा तो ये वाला चीज नहीं रहता, ठीक है, वो ब्लैंक रहता है। और जब आप वीडियो या इमेज लेते हो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो टाइमलाइन पे तब वीडियो आपका सीक्वेंस उसके अकॉर्डिंगली फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, हमें जो भी चीजें लगती है या रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे, ठीक है। हाँ, बट वो सीक्वेंस जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? हाँ, तो वो प्रॉपर्टीज रिलेटेड रहेगी वीडियो से रिलेटेड। सो इट्स हाँ कि फॉर एग्जांपल आपने वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड करा है तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज वहाँ पे पता चल जाएगी कि वो 1920:1080 है या 720 है या जो भी है, यू नो आप वीडियो में देखते हो यूट्यूब में स्पेशली तो वहाँ पे क्वालिटीज लिखा रहता है कि आपको 720 में देखना है, 480 में देखना है या 1080 में देखना है। सो यू नो दिस दैट इज जैसे वो हाँ जैसे मतलब वो वीडियो क्रिएटेड होगा उसके अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस आएगा। यस एग्जैक्टली। तो वीडियो के स्टैंडर्ड रहते हैं ना, जैसे इमेजेस का टाइप रहता है जेपीजी इमेज, पीएनजी इमेज, पीएसडी इमेज, राइट, जीप इमेज, जीप इमेज। तो देखो अपन ने अगर जीप इमेज यूज किया तो जीप इमेज का खुद का प्रॉपर्टी है कि वो जीप कैसे रहेगा, जेपीईजी इमेज रहेगा तो उसका ओन प्रॉपर्टी है कि वो कैसा रहेगा, मतलब उसका विड्थ एंड हाइट कैसे रहेगा, उसका टाइप फॉर्मेट क्या रहेगा। मे बी आप पीएनजी इमेज यूज कर रहे हो, पीएनजी का मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जो कि बैकग्राउंड जिसे नहीं रहता, मतलब कि सिंपल एक लोगो रहा या एक कोई भी चीज रही, ओके तो वो उसको बैकग्राउंड नहीं रहेगा, मतलब कि उसको बैकग्राउंड व्हाइट नहीं रहेगा कुछ, वो ट्रांसपेरेंट इमेज रहेगी, मतलब कोई भी बैकग्राउंड पे आप लेके जा सकते हैं। सो उसे हम पीएनजी बोलते हैं, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज होती है, उसी प्रकार प्रॉपर्टी ऑफ द वीडियो होती है। तो वीडियो का मतलब यू नो किस क्वालिटी का रहेगा या उसका प्रॉपर्टी क्या क्या रहेगा, जो कि हम सिक्वेंस में डिसाइड करते हैं बाय ओन, ठीक है। तो ये वीडियो के ऊपर रहेगा कि आप वीडियो कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं एंड किस प्रॉपर्टी से उसका क्या प्रॉपर्टी बिलोंग कर रहा है, तो हो जाता है वो, ठीक है। अब देखिए हमने सीक्वेंस ले लिया, अब वीडियो को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते सिंपली, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आता है, मैंने हमेशा बताया है कि हम सीक्वेंस जब भी खुद से लेते हैं और वीडियो बाहर से लेते हैं तो ये हमेशा पूछेगा कि सीक्वेंस का सेटिंग अलग अलग है तो आपको क्या करना है। तो हमें क्या करना है, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग रखना है या चेंज सीक्वेंस सेटिंग करना है, मतलब आपको सीक्वेंस खुद से बदलना है या आपने रखा वो रखना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया वो, अब इसको हम फुल लेंथ का वीडियो करना चाहेंगे तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, राइट क्लिक, स्केल, ओके स्केल, वेयर इज अ स्केल, स्केल टू फ्रेम साइज। तो ऐसा कर लिया तो ये हो गया आपका फुल स्केल। अब क्या करना है, आपको करना ये है अभी कि ग्रीन मैट वीडियो पहले तो यूज क्यों करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ ग्रीन मैट वीडियो। ग्रीन मैट वीडियो का मतलब होता है कि ग्रीन स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो शूट किए जाते हैं, वीडियो शॉट किए जाते हैं, ओके उसे हम बोलते हैं ग्रीन मैट वीडियो। तो इसका पर्पस ये रहता है कि हम कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर पाए, ओके सी मतलब कि यहाँ पे एक डीजे डीजे पर्सन है जो कि डीजे प्ले कर रहा है,
हमें क्या करना है कि उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, क्योंकि ये ग्रीन मैट है, तो ग्रीन मैट के ऊपर ये शूट कर ये पर्सन प्ले कर रहा है वीडियो, और इसका हमारे पास वीडियो है, ठीक है। एक बार प्ले करते हैं किस तरीके से रहेगा वो। तो आपको दिख रहा है कि वो वीडियो पर्सन वीडियो में कि वो पर्सन डीजे प्ले कर रहा है। तो अभी क्या करना है, ग्रीन मैट वीडियो में हम प्रीमियर में या आफ्टर इफेक्ट जो सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पे ये स्पेशली हमारे पास दिया जाता है ऑप्शन, जहाँ पे हम ग्रीन मैट को हम गायब कर सके। किस तरीके से गायब करेंगे वो मैं बताता हूँ, सो दैट हम इस ग्रीन मैट तो गायब हो जाएगा एंड हम कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। एनी बैकग्राउंड वी कैन पुट हियर। सो व्हाट वी कैन डू हियर, सी, तो आपको जाना है इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स, ओके। इफेक्ट्स इज योर थिंग जहाँ पे आपको जाना है, और इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सी, जैसे आप ग्राफिक्स क्लिक करते हो तो ग्राफिक्स के रिलेटेड प्रॉपर्टी यहाँ पे आएंगी, ओके। ग्राफिक्स के रिलेटेड, जैसे उस दिन हमने टाइटल्स पढ़े थे, लेगेसी टाइटल, राइट ना। तो टाइटल्स के आपको ग्राफिक्स में सीसी वर्जन में ग्राफिक्स के रेडीमेड टाइटल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, रेडीमेड। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करने से वो यूज कर पाएंगे। सी, ये होता है लोअर थर्ड, फॉर एग्जाम्पल इसे मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, देखिए। तो आपको यहाँ पे लोअर थर्ड आता है, ठीक है। सो दैट डे वी हैव सीन इट कि हम खुद से कैसे क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन आप ग्राफिक्स में जाते हैं तो यहाँ पे फ्री टेम्पलेट दिया है जहाँ पे आप अपन इसको रेडीमेड तौर पे यूज कर सकते हैं, अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे कि टाइटल, सब टाइटल एंड जो भी चीजें रहती है कि किस प्रकार दे पाएंगे, ओके। एंड दैट इज सिंपल, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ फॉर नाउ, एंड मुझे अभी इफेक्ट्स में जाना है क्योंकि हमें यहाँ पे इस ग्रीन मैट के इफेक्ट को रिमूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट्स में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे चेक करेंगे अल्ट्रा। अल्ट्रा इज द की नेम, ओके। अल्ट्रा की इज द नेम जहां पे हम क्या कर पाएंगे, ये ग्रीन मैट को गायब कर पाएंगे। कैसे गायब कर पाएंगे, सी, अल्ट्रा की को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है, वीडियो के ऊपर में। देखिए मैंने वीडियो के ऊपर में इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। नाउ अब आपको वीडियो चेक करना है, ठीक है। सी, कैसे करेंगे चेक, यहाँ पे आएंगे, इसे क्लिक करेंगे, ठीक है, एंड इस वीडियो की हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे अभी, ठीक है, इसके इफेक्ट कंट्रोल में जाकर। कैसे, तो यहाँ पे वीडियो पे आए, सिलेक्ट किए, और आपको इफेक्ट कंट्रोल चेक करना है, इफेक्ट कंट्रोल, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके ऊपर इफेक्ट्स लगाया है तो हम इसको इफेक्ट कंट्रोल से मैनेज कर पाएंगे वो इफेक्ट को। तो इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे एंड आप देखते हैं इफेक्ट कंट्रोल में यहाँ पे देखिए अच्छे ऑप्शंस दिए गए हैं एज कम्पेयर टू CS6। CS6 में यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में बहुत कम ऑप्शन होते हैं, जैसे पोजिशन स्केल हो गया, ठीक है, रोटेशन हो गया, यहाँ पे एंकर पॉइंट है, एंटी फ्लिकर पॉइंट, फिल्टर है, एंड हमें जो चाहिए वो है लास्ट में जिसका नाम होता है अल्ट्रा की। तो ये पहले से नहीं आएगा, एफएक्स का मतलब होता है इफेक्ट, ओके, एफएक्स इज अ इफेक्ट्स। तो अल्ट्रा की यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो यहाँ पे अल्ट्रा की आया, एंड वहां पे हम चेक करेंगे कैसे, की कलर में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक किया, इसका मतलब होता है, ये होता है आई ड्रॉपर जो अभी मेरे पास में आ गया, आई ड्रॉपर क्लिक करने के बाद, एंड इस आई ड्रॉपर को आपको क्या करना है, ग्रीन कलर के ऊपर सिलेक्ट करना है, सो दैट आपका ग्रीन कलर गायब हो जाएगा। सी, मेरा ग्रीन कलर गायब हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको हम पीछे में कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो उसके पहले क्या करना है आपको, इस ट्रैक को, वीडियो V1 ट्रैक जो है, इसको हम वीडियो को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके गए एंड ये हो गया आपका V1 खाली। क्यों, क्योंकि हमें V1 वीडियो के पीछे में कुछ लगाना है, तो ये जगह पीछे में मतलब बेस में लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा इमेज वीडियो के, तो
तो हमें इसलिए बैकग्राउंड V1 खाली किया, यहाँ पे कोई इमेज लगाएंगे। तो what, let me check any image जो कि हम लगा पाएंगे। So what kind of image I am playing there? Just a moment. ठीक है, मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूँ जो कि पार्टी रिलेटेड है। ओके, पार्टी, डीजे पार्टी, ऐसे मैं इमेज डाउनलोड करता हूँ, ये सिंपल। ओके, आई गॉट वन। Save image, okay. Okay. Now in Premiere, right click import desktop, change desktop. यानी यहाँ पे party image को यहाँ पे रखा हमने, ठीक है? तो इस फोटो को आप बिन के अंदर डाल दीजिए एंड वहां पे एक इमेज फोल्डर क्रिएट करके एक काम करना पड़ेगा हमें, ठीक है? तो वेर काम करना, ओके, राइट क्लिक, न्यू बिन, एंड बिन के अंदर ये इमेज लगा देंगे एंड इस बिन को नाम देंगे इमेज, ठीक है? तो ये पता है आपको क्या करना है, इतना कुछ स्पेशल चीज नहीं बता रहा हूँ, आपको पता है कि एक बिन लेके आपके आपको उसके अंदर क्या काम करना है, ठीक है? ये फोल्डर अलग है, इसके अंदर वीडियो है, सीक्वेंस है, इमेज, इमेज शुड बी इन दिस फोल्डर। ओके, ये हमारा बिन है, इसको रिनेम कर लेते हैं बिन, ठीक है? बिन इज अ वन फोल्डर जिसके अंदर बाकी सारी चीजें है, सीक्वेंस है, वीडियो है, इमेज है। तो इमेज हम तो यहाँ पे है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। ओके, और इससे हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है? यानी इमेज छोटी दिख रही है तो इसको हम देखें, ब्लू कलर का इमेज दिख रहा है वहां पे, इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे। कैसे? राइट क्लिक, स्केल, ठीक है, गुड। अब इसे स्टार्टिंग से क्लिक करेंगे। अब आप इस मिस्टर डीजे को भी थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। कैसे? इसको डबल क्लिक करके आप इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है इफेक्ट कंट्रोल। देखिए, ये होता है आपका इफेक्ट कंट्रोल, जहाँ पे आप स्केल कर पाएंगे इसे, ठीक है? स्केल, एंड यू कैन प्ले इट नाउ। ओके, सो दिस इज हाउ सिंपल इट इज। देखिए, इस तरीके से आप कोई भी वीडियो वहां पे चला सकते हैं, वो कर सकते हैं ये सारी चीजें। अगेन व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं और एक से वीडियो यहाँ पे ग्रीन मैट का वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, अनदर वीडियो विद द ग्रीन मैट थिंग। ओके, वीडियो,
यहाँ पे मैंने दूसरा वीडियो यहाँ पे प्ले किया, यहाँ पे रखा, सो ये राइट क्लिक करके स्केल करते हैं, स्केल। ओके गुड, नाउ व्हाट यू डू, अल्ट्रा की को यहाँ पे आप अप्लाई करिए, नंबर टू वीडियो पे कर दिया, बाद में आप इफेक्ट कंट्रोल में जाइए एंड अल्ट्रा की में आप कलर को चेक करिए ग्रीन, ठीक है, वो भी रिमूव हो गया। उसका भी बैकग्राउंड हम चेंज कर सकते हैं, सम एनीथिंग यू कैन पुट ऑन। ओके सो व्हाट आई डू, मैं ताजमहल, ताजमहल यहाँ पे इमेज ले रहा हूँ, ठीक है, एंड सेव इमेज। ओके देन गो टू प्रीमियर इमेज, कंट्रोल आई इम्पोर्ट, कंट्रोल आई इज इम्पोर्ट ताजमहल, सो ड्रैग एंड ड्रॉप। इमेज को बड़ा करेंगे पहले, देन राइट क्लिक स्केल, फिर वो कपल के साइज को हम अरेंज कर सकते कि हम उसे कहाँ पे रखना चाहते हैं एंड ऑल दैट, दैट इज इजी, नॉट एन इशू। ओके बट दिस इज सो गुड, दिस इज सो क्रिएटिव। ओके मतलब ये आपके ऊपर रहेगा कि आप उसको किस तरीके से वीडियो को प्ले कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग। एंड ये सिंपल आप छोटी छोटी चीज़ों में ये अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सिंपल एक ग्रीन पर्दे के आगे में आप कोई भी वीडियो शूट कर लीजिए, खुद का कर लीजिए, कोई भी फैमिली का कर लीजिए, कोई भी समथिंग लाइक, ओके एंड आप उसको वीडियो को प्रीमियर में ला के ग्रीन मैट को अल्ट्रा की से रिमूव कर सकते हैं। ओके तो यूजुअली हम जब भी ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, ठीक है, तो वहाँ पे हमने एक स्टूडियो रूम बनाया था जहाँ पे हम ग्रीन मैट के ऊपर स्टूडेंट्स को कोई भी एक्टिविटी करने को बोलते थे एंड वहाँ पे वो चीज़ करते थे, बहुत सारी चीज़ें ग्रीन मैट के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि ग्रीन मैट के ऊपर यहाँ पे एक ही स्टूडेंट लेफ्ट साइड से बात कर रहा है, मतलब डायलॉग डिलीवरी, हेलो हेलो फ्रेंड हाउ आर यू, फिर वही स्टूडेंट थोड़ा गेटअप चेंज करके, गेटअप मतलब एक कुछ ब्लेजर पहन के बात करेगा, एक नॉर्मल यू नो नॉर्मल शर्ट पे बात करेगा, तो हेलो हाउ आर यू, हाय फ्रेंड आई एम रोहित, ये बोलेगा आई एम सुमित एंड समथिंग लाइक। तो ये डायलॉग डिलीवरी हम एक ही पर्सन से डायलॉग डिलीवरी करते थे विद सम स्क्रिप्ट, छोटा मोटा स्क्रिप्ट एक मिनट का एंड ग्रीन मैट के आगे। एंड लेटर ऑन व्हाट वी डू कि ग्रीन मैट को रिमूव करके इन एक ही पर्सन को दो फ्रेम में दिखाते थे, मतलब एज ए डुप्लीकेट। तो ये वाली चीज़ें भी करी हमने, नंबर ऑफ बहुत सारी चीज़ें करी जहाँ पे ग्रीन मैट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से होता है। तो आज के डेट में मल्टीमीडिया के एज में ग्रीन मैट को यूज़ करना मतलब बहुत ही की यूएसपी है, वो की पॉइंट है जो आप इसका वाइडली एप्लीकेशन देखते हैं न्यूज़ चैनल के ऊपर। न्यूज़ चैनल में सिंपल ग्रीन मैट के आगे में वो एंकर खड़ा रह के हमें बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं एंड बैकग्राउंड में ग्राफिक्स चेंज करते हैं, सिंपल ग्राफिक्स चेंज करते हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन में आप देखते हैं कि युद्ध का वो वहाँ पे दिखा रहा है, रशिया एंड यूक्रेन के बीच का जो भी चालू है वहाँ पे वॉर सिचुएशन, तो वहाँ पे कितना मतलब यू नो बैकग्राउंड सिचुएशन, बैकग्राउंड को इतना अच्छी तरीके से वो डिस्प्ले करते हैं कि वी एज अ कॉमन पर्सन वी कैन ओनली थिंक कि ये कैसे करते होंगे। तो आप अभी कॉमन पर्सन नहीं है, आप एक टेक्निकल पर्सन है जो कि इस इंफॉर्मेशन को अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाउ दे कैन डू दिस,
वो किस तरीके से ये कर सकते हैं हमें पता है। एंड आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ छोटे छोटे एग्जाम्पल को यूज करके कि वो किस तरीके से ये चीजें करते हैं। तो दैट इज द सिंपल थिंग। ओके, तो ये चीज आप कंपल्सरी करिए। एंड ग्रीन मैट चीज है ये, ग्रीन मैट यहाँ पे अल्ट्रा की में जाके अल्ट्रा की यूज करेंगे, बैकग्राउंड को रिमूव करेंगे एंड बहुत अच्छे से हम कोई भी वीडियो बना सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आज की एज में ग्रीन मैट का यूज बहुत ही वाइडली होता है। ओके, आप जो यूट्यूब वीडियोस देखते हो एंड एनी एनी काइंड ऑफ थिंग यूट्यूब में जाके, सॉरी यूट्यूब ग्रीन मैट के ऊपर की जो यूट्यूब वीडियोस होते हैं फिर वो रिमूव करने के लिए आते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। ठीक है, सो इट कैन बी डन दिस वे। तो आपको समझ में आ गया ये व्हाट इज अ ग्रीन मैट थिंग। अब आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहे तो पूछिए मेरे। पता है क्या, आपने जो पहला वीडियो लगाया था इसमें, और फिर हमने जब इफेक्ट कंट्रोल के पहले में आपने वो वीडियो उसको V1 से V2 किया था और नीचे कहा था कि स्पेस करेंगे, बट जब सेकंड वीडियो आपने किया तब तो ऐसा नहीं किया था ना। रिपीट योर क्वेश्चन। नहीं, आप क्या बोले? देखिए, आपका क्वेश्चन रिपीट करें बोला। जो पहला वीडियो था अपन ने उसको ऊपर लेकर गए थे, जो आपने कहा था नीचे स्पेस चाहिए हमको, है ना? तो जब सेकंड वीडियो लगाया आपने तब तो आपने ऐसा नहीं किया था। ये स्पेस बोल रहे क्या? नहीं, V1 और V2 का बात कर रही हूँ। V1। हाँ, ओके ओके, ये बात कर रहे हैं आप। ओके ओके, क्या है वो? सिंपल है, कोई इशू नहीं है। कैसा है मैम? देखो आप एक्चुअली कैसा, हम V2 हमेशा जहाँ पे ग्रीन मैट का वीडियो लगाएंगे ना, तो हमें नहीं क्या नीचे में एक जगह छोड़नी पड़ेगी, एक ट्रैक की जगह छोड़नी पड़ेगी। तो फर्स्ट टाइम जब भी मैंने यूज़ किया वीडियो को, तो मैंने वीडियो जानबूझकर V1 में लगाया था। पहले आपको बताने के लिए यहाँ पे लगाया था जानबूझकर कि V1 में हमने जैसे नॉर्मल नॉर्मल टाइम में हम वीडियो यहीं पे रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रखा था और उसको मैंने फिर ग्रीन मैट अप्लाई करके बताया और बाद में बोला इस वीडियो को आपको ऊपर शिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें उसका बैकग्राउंड दूसरा दिखाना है यहाँ पे, तो इसलिए हाँ, मैंने ठीक वो है। चीज़ फर्स्ट टाइम करी। पर सेकेंड टाइम क्या हाँ, करा, सेकेंड वीडियो जो लिया ना, तो मैंने V1 में नहीं लिया, डायरेक्ट V2 में लिया था वो, यहीं अच्छा पे। अच्छा हाँ, यहीं पे लिया था, क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ तो आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि ये हमने ऐसा क्यों हाँ करा हाँ बोल हाँ के। फिर सेकेंड टाइम मैंने वीडियो यहीं पे लिया, सो दैट हमें अच्छा, ठीक स्पेस छोड़ने की जगह हमें कोई जरूरी नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी V2 को यूज करा है यहाँ पे, तो V1 हमारे पास है ऑलरेडी, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने ठीक यहाँ पे है। हाँ, बैकग्राउंड को यहाँ पे लगाया। सो दैट इज अ वेरी स्टैंडर्ड एंड जनरल प्रोसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर V1 में लगाते हो तो बैकग्राउंड नहीं, कहाँ अच्छा पे? ठीक है। जैसे आपने दो वीडियोस लगाए और अब मेरे को मल्टीपल वीडियोस लगाने, फॉर एग्जांपल 5, तो मैं ये सब हाँ ये पांचों V2 में ही लगाऊंगी ना? एग्जैक्टली, आप V2 में ही लगाएंगे क्योंकि वो ग्रीन मैट वीडियो है, उसका बैकग्राउंड हमें मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। देखिए अभी डीजे का है तो हमने पार्टी का सीन रखा है यहाँ पे, ठीक है मैच हो गया। लेकिन सेकंड वीडियो कैसा, ताजमहल, वो कपल का एग्जांपल लिया, तो वहाँ पे हमें पार्टी वहाँ पे नहीं रख सकते, मतलब कि सूटेबल लगना चाहिए, जो भी आप लगाना चाहते रखने के लिए रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थॉट कि ये अभी कपल है, रोमांटिक, यू नो दैट इज अ रोमांटिक थीम एंड दैट इज अ डीजे थीम, तो रोमांटिक रिलेटेड क्या है, तो सिंबल ऑफ लव ताजमहल लगा दिए, या आप गार्डन लगा सकते हो, मतलब कि वो थीम को मैच होना चाहिए। यहाँ पे अभी मैच हो गया, वो डीजे में अगर ये चीज लगाते हैं, ये वाला कपल का सीन, तो वो थोड़ा मे बी लगाने को लगा सकते हैं, हम ही क्रिएटर है, लेकिन वो ऑड भी लग सकता है, अच्छा भी लग सकता है। तो डिसाइड आपको करना है कि हमें अच्छा लगना है कि ऑड लगना है। आई थॉट, मैं सोच रहा हूँ कि वो अच्छा लगना चाहिए, तो मैंने यही लगा दिया। एंड दैट सिंपल, कि आप अगर स्कूल का वीडियो लगाते हैं, देखिए मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपसे ग्रीन मैट की, देखिए इतने सारे वीडियोज है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा एवरी एवरी एंड ईच टाइम कि हमें कौन सा वीडियो कहाँ पे लगाना है। देखिए ये एनिमल का वीडियो है, एंकर का वीडियो है, द गर्ल इज प्लेइंग ऑन लैपटॉप ये वीडियो है, एलिफेंट का वीडियो है, सो मेनी वीडियोज आर देयर। तो हमें कैसा,
हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें क्या डिसाइड करना है, हमें कौन सी चीज वहां पे लगाना है, एंड दैट सिंपल। तो ये चीज बहुत ही पावरफुल है आज की डेट में। ग्रीन मैट इसको बोलते हैं क्रोमा, इस इफेक्ट को बोलते हैं क्रोमा। क्रोमा तो जो बड़े बड़े स्टूडियोज होते हैं तो वहां पे ग्रीन मैट का एक स्पेशल स्टूडियो रहता है जहाँ पे कोई भी चीज शूट होती है और उसको बैकग्राउंड में चेंज करते हैं। आप जो यूट्यूब में वीडियोस भी देखते हो एंकर्स एंकर लोगों के, तो वो कैसे यू नो विवेक बिंद्रा वीडियो एंड ऑल दैट, तो वो बिल्कुल ग्रीन मैट के आगे शूट करते हैं वो वीडियो। एंड एंकर जिस तरीके से बात कर रहा है, राइट एंड लेफ्ट में जो भी इंडिकेट कर रहा है वो चीज वहां पे लगा सकते हैं। और ये सारी चीजें कंप्लीटली एडोबी प्रीमियर प्रो में होती है, मतलब दूसरा सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल FCP, FCP मतलब इट्स अ फाइनल कट प्रो। ओके, सो FCP भी यूज कर सकते हैं, बट FCP रिगार्डिंग है एप्पल सिस्टम से रिलेटेड, मैक से रिलेटेड। ओके, हम अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो एडोबी प्रीमियर प्रो मोस्ट सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है यहाँ पे। तो यस, बोथ ऑप्शंस वी हैव। तो हमारे स्टूडेंट जो हमारे लास्ट टाइम लर्न कर रहे थे वो प्रीमियर प्रो सीख के गए, और फिर उनका प्लेसमेंट ई स्टूडियोज में हो गया नागपुर में, फिर वहां पे जाके FCP यूज कर रहे, मतलब करते थे वहां पे फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर जो कि मैक ओरिएंटेड है। तो दोनों का कैसा, ओरिजिन एक ही है, प्लेटफॉर्म एक ही है, लेकिन अभी कोई किसी का प्रेफरेंस FCP पे होता है, किसी का प्रेफरेंस एडोबी प्रीमियर प्रो पे होता है, दैट इज अवर चॉइस, नो इशू। तो बट इट इज मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन टूडेज टाइम, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते, और ये बिल्कुल एडवांस में आता है, एडवांस में। ओके, फॉर एग्जाम्पल बाहुबली मूवी एंड वो सारी मूवीज जो आप बाहुबली की रेंज में रखते हैं, या हॉलीवुड मूवीज, या आज के डेट में इंडिया में बहुत सारा क्रोमा यूज होता है।